हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम बात करेंगे कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। सो ट्रेडर्स, अगर आप कोई भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, आज निफ्टी ने फिर से 15,900 को रिक्लेम किया, लेकिन बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम इसे 15,800 के ऊपर सेटल होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकती है, क्योंकि आज हम यूएस मार्केट में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अभी के लिए निफ्टी बैंक आज ऑलमोस्ट 1.04% के अपसाइड के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन इसमें भी कल आप एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से चार स्टॉक्स हैं जिसमें कल हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। सो गाइस, लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है जिसके वजह से आज निफ्टी में ये जो गिरावट हमें देखने को मिला वो था टाटा मोटर्स। यहाँ पे JLR में देख गए Q1 में कैश बर्न की वजह से आज स्टॉक में ऑलमोस्ट हमें एक लोअर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला। तो स्टॉक यहाँ पे करंटली 316 के लेवल्स पे आके क्लोज हुआ है। सो अभी भी इस स्टॉक में आपको एक फर्दर डाउन साइड यहाँ पे दिखाई दे सकती है, क्योंकि आज यहाँ पे US एडिया लेवल्स पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। सो कल भी इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो गाइस, उस केस में अगर ये स्टॉक कल आपको 316 के लेवल्स के नीचे यहाँ पे सेटल होता हुआ दिखाई दे तो उस केस में इसमें एक स्कैल ट्रेड हम शॉर्ट साइड पे कंसिडर कर सकते हैं और हमें अराउंड 310 तक के लेवल्स यहाँ पे एज ए टारगेट देखने को मिल सकता है। एज ए स्टॉप हमें 320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टाइमली हम इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए इसमें अपना इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में जो अगला स्टॉक है यह है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो कि आज मोर देन 3.7% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है। और अभी अगर देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पे 200 लेवल्स के करीब अपने सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। सो ट्रेडर्स, जब जब ये अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करता है तो उसमें एक अपसाइड यानी एक शॉर्ट कवरिंग हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर कल मार्केट सपोर्ट नहीं करता और मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की वजह से थोड़ा नीचे आता है तो इस केस में हम इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है उसे यहाँ पे टूटता हुआ आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर कल ये स्टॉक हमें 261 के लेवल्स के नीचे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिले तो उस केस में यहाँ पे जरूर एक सेल ऑर्डर लिया जा सकता है और हमें अप टू 257 तक के लेवल्स यहाँ पे एज ए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस हमें 264 के करीब अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक स्कैल ट्रेड है तो आपको विद इन मिनट्स अपने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने हो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा हो या फिर आप इससे कुछ जानकारी हासिल कर रहे हो तो उस केस में इस वीडियो को अपना लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी हद तक मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, लिस्ट में जो अगला स्टॉक है यह है फार्मा जाइंट बायोकॉन, जो कि आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.6% के गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल्स पे हम यहाँ पे प्रीवियसली 2 to 3 days में यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 10% का एक प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं, और इसके चलते स्टॉक में यहाँ पे एक फर्दर डाउनसाइड हमें आगे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका जो नियर टर्म सपोर्ट था वो आज इसने यहाँ पे तोड़ दिया है 390 का लेवल, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में एक फर्दर डाउनसाइड प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें दिखाई दे सकती है। उस केस में अगर स्टॉक हमें 390 के लेवल्स के नीचे यहाँ पे सेटल होता हुआ दिखाई दे तो हम इसमें एक सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और उस केस में हमें अप टू 384 और 380 तक के लेवल्स यहाँ पे सेल साइड में एज ए टारगेट दिखाई दे सकता है। एज ए स्टॉप लॉस अराउंड 392 का एक स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है, और एज ए स्कैल्प ट्रेडर हम जरूर इसमें अपना प्रॉफिट टाइमली बुक करेंगे। सो गाइस, लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक है ये बिलोंग करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेगमेंट को, और ये है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स,
तो गाइस आज इस स्टॉक में मोर देन 4% का एक अपसाइड हमें देखने को मिलता है, और अगर देखा जाए तो इसने अपने प्रीवियस जो नियर टर्म रेजिस्टेंस था उसे यहाँ पे कंसिडरेबली एक वॉल्यूम के साथ पिछले दो दिनों से सस्टेन किया है। तो गाइस उस केस में आज स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई को भी यहाँ पे टच किया है। सो इसे देखते हुए अगर स्टॉक इस ट्रेंड को सस्टेन करता है और हमें 965 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे सेटल होता हुआ दिखाई दे तो उस केस में हम इसमें एक बाय ऑर्डर प्लान कर सकते हैं, और कल हमें अराउंड 975 और 980 तक के लेवल्स इसमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है एज अ स्टॉप लॉस। आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं जो कि यहाँ पे अराउंड 9-10 रुपए का रहने वाला है। सो गाइस इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें हमें एक कंसोलिडेशन के वजह से एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो पुट साइड के मुकाबले कॉल साइड पे एक ह्यूज कॉल राइटर्स की ओपन इंटरेस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं 15,900 और 16,000 के लेवल्स के ऊपर, और इसके वजह से अगर कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें 15,800 का लेवल यहाँ पे कल टूटता हुआ आगे यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो गाइस अगर इस बात को हम यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं क्लियरली हमें 15,800 के ऊपर थोड़ा बहुत कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलता है, लेकिन इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो हम एक हायर कॉल राइटिंग यहाँ पे 15,850 और 15,900 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम कॉल राइटिंग हमें अराउंड 16,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है, सो अभी मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस कोई भी एग्रेसिव बाय पोजीशन यानी यहाँ पे लेने से आपको करेंटली अवॉइड करना है, और इस बात को अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो करेंटली हमें 15,840 के लेवल्स पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसमें दिखाई दे सकती है। प्रीवियसली ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और अभी के लिए क्योंकि हमने इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, सो गाइस इस लेवल के टूटने पे ही हमें फिर से इसमें थोड़ी बहुत अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे 15,800 के लेवल्स पे अगर कल यहाँ पे कोई भी ओपनिंग आती है तो इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस केस में हमें 15,750 तक के लेवल्स कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इन केस अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ भी पुट राइटिंग के मुकाबले एक ह्यूज कॉल राइटिंग हमें हायर लेवल्स पे दिखाई देती है, और आप यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से भी इस बात को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अभी के लिए अगर देखा जाए तो 35,500 के लेवल्स पे हम एक ह्यूज पुट राइटिंग और एक कॉल अनवाइंडिंग को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें तो हायर लेवल्स पे हम अभी भी एक कॉल राइटिंग अराउंड 35,700 के लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे कल 35,700 और 35,800 के लेवल्स पे थोड़ी बहुत और कॉल राइटिंग आती है तो बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है, और उस केस में हमें 35,500 के लेवल्स यहाँ पे कल टूटते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इन केस इस बात को अगर हम आवरली कैंडल के बेसिस पे देखना चाहें तो गाइस यहाँ पे कल हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा वो होगा 35,500 का। सो इन केस अगर ये लेवल कल टूटता है तो आपको इसमें एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर इन केस हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते हैं तो इसमें आपको एक साइडवे मूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने से करेंटली हमें अवॉइड करना है, क्योंकि 36,000 का लेवल एक ह्यूज रेजिस्टेंस है और अभी भी हम इसके काफी नीचे हैं। सो गाइस अभी के लिए इसमें थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, और उस केस में हम 35,500 के नीचे थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग करना यहाँ पे कॉल साइड पे प्रिफर करेंगे। सो गाइस कल हमारा जो लाइव स्ट्रीम है उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें कल हम बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ स्कैल्प ट्रेडिंग आइडियाज यहाँ पे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। I hope you like this one. So, thanks for watching, and I will see you in the next one.